हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन एजुकेशन रिसर्च के यूनिट के रिगार्डिंग डाटा कलेक्शन टूल्स के का हम लोग आज हम लास्ट थर्ड पार्ट और इसके लास्ट जो हमारे तीन बचे हुए टूल्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल एंड देन लास्ट हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन या इंटरव्यू सर्वेज uh, इन सब के बारे में हम लोगों ने uh, पढ़ लिया है अगर आपने वो नहीं किया है वो वाला मेरा टॉपिक तो इसके पीछे टॉपिक को जितना भी अपना इसके रिगार्डिंग है उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि ये टॉपिक आपको समझने में आसानी जो है वो रहे चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन टूल के रिगार्डिंग आज का जो लास्ट टॉपिक नंबर वन मैंने लिया है ऑब्जर्वेशन देखिए अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्यों एज ए डेटा कलेक्शन टूल कहते हैं ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि बेसिकली किसी किसी को भी ऑब्जर्व करना ऑब्जर्व किसी भी चीज़ को करना ऑब्ज़र्व पीपल को करना ऑब्जर्व किसी प्लेस को करना किसी फिनोमिना को करना मतलब बाय ऑब्जर्वेशन आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे जो कि आपकी रिसर्च है जो कि आपकी रिसर्च का एक क्वेश्चन है क्लियर जिस चीज़ तक आप पहुँचना चाहते हो उस चीज़ तक आप बाय ऑब्जर्वेशन पहुँचे क्लियर ऑब्जर्वेशन जो होता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हैपन इन यूजर्स होम यूज़र के होम में हो सकती है किसी वर्क प्लेस पर हो सकती है किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में हो सकती है एंड नॉट इन लैब एंड कंट्रोल सेटिंग लेकिन ये किसी भी लैब या कंट्रोल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं होती है अब किस तरीके से आगे इसके टाइप से उसके बारे में डिस्कस करते हैं चलिए सबसे पहली टाइप आती है इसकी नंबर वन कंप्लीट ऑब्जर्वर अगर हम लोग कंप्लीट ऑब्जर्वर की बात करते हैं तो ये एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर होता है वेयर रिसर्चर इज नीदर सीन नॉर नोटिस बाय द पार्टिसिपेंट्स जहाँ पर कि जो भी बंदा या जो भी रिसर्चर होता है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो किसी पार्टिसिपेंट के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता है ना ही किसी पार्टिसिपेंट के द्वारा उसको देखा जाता है क्लियर फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी शॉप फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बिल्डिंग लॉबी एयरपोर्ट्स पब्लिक बाथरूम्स एक्सेट्रा जैसे कि आ, अगर हमने पर्टिकुलर किसी भी आ, 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 आप किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो पर्टिकुलर किसी भी जगह को ऑब्जर्व कर रहे हो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लीजिए जैसे लाइक कॉफ़ी शॉप कॉफी शॉप पर आपको कौन ऑब्जर्व कर रहा है इतने सारे पर्सनस खड़े हुए हैं आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है वो कंप्लीट ऑब्जर्वर होता है क्लियर ना तो पार्टिसिपेंट उसका पार्टिसिपेंट के साथ जो होता है वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है कोई भी बातचीत नहीं होती है कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है और पार्टिसिपेंट को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है कुछ भी उसे इस बारे में कोई भी नॉलेज जो है वो नहीं होती है सेकेंड बात करते हैं ऑब्ज़र्वर एज पार्टिसिपेंट अब देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन चारों टाइप्स में इन तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा ऑब्जर्वर जो है वो एक पार्टिसिपेंट की तरह होता है क्लियर यानी कि जो भी ऑब्जर्व कर रहा है दैट ऑब्जरवर इज लाइक अ पार्टिसिपेंट रिसर्चर इज़ नॉन यहाँ पर रिसर्चर के बारे में पता होता है रिकोगनाइज होता है पार्टिसिपेंट उसको जानते हैं यहाँ पर और इन मैनी केसेज पार्टिसिपेंट्स नो द रिसर्च गोल्स ऑफ द ऑब्ज़रवर और बहुत सारे केसेज में ज़्यादातर केसेज में यहाँ पर पार्टिसिपेंट को पता होता है कि ऑब्ज़रवर का क्या गोल है ऑब्जरवर उनको क्यों ऑब्ज़र्व कर रहा है क्लियर यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर बंदे की जासूसी हो रही है उसके ऊपर सीआईडी आई वालों ने उन्होंने उसके ऊपर नजर रखी हुई है यहाँ पर जो लोग हैं जिनके ऊपर नज़र रखी हुई हैं जो पीपल हैं उनको पता होता है भी सीआईडी वालों ने हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है और उन्हें ये भी पता होता है भी क्यों रखी हुई है उनका क्या उद्देश्य है वो क्या जानना चाहते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ हद तक इंटरेक्शन रह सॉरी यस इंटरेक्शन रहता है पार्टिसिपेंट्स के साथ रिसर्चर का लेकिन जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट के साथ फ्रेंडली नहीं होता है वो जितना हो सके उनके साथ न्यूट्रल रहता है उसको मतलब यहाँ पर केवल और केवल अपनी इन्वेस्टिगेशन से केवल और केवल अपने काम से होता है नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट एज़ ऑब्ज़रवर uh, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा पहला क्या था ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट में आप लोगों ने एक चीज़ को समझा भी जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको ये पता होता है भी वो किसी के द्वारा ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और सेकंड थिंग आप हम लोगों ने यहाँ पर ये देखी भी जो यहाँ पर रिसर्चर होता है वो उसका एक न्यूट्रल रोल होता है वो फ्रेंडली नहीं होता है पार्टिसिपेंट के साथ लेकिन जब हम लोग पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर की बात करते हैं तो यहां पर जो रिसर्चर होता है वो फुल्ली एंगेज रहता है पार्टिसिपेंट्स के साथ क्लियर सबसे पहली बात नंबर दो वो फ्रेंडली रहता है नंबर तीन वो न्यूट्रल नहीं होता है उसका फुल इंटरेक्शन होता है यानी कि तीन ती, ती, चार पॉइंट्स जो भी हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे ऑपोजिट है जो कि हमने ऑब्जर्वर एज़ पार्टिसिपेंट में पढ़े थे क्लियर अब यहाँ पर एग्जांपल अब ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रिमोट इंडिजीनियस पॉपुलेशन या फिर आप इनर सिटी कल्चर्स यानी कि अगर आपने दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के अध्ययन करना है मतलब कि वहाँ पर जाकर के आपने वहाँ के लोगों के बारे में जानना है या फिर आप किसी भी सिटी के कल्चर के बारे में जानना चाहते हो तो आप तब तक उन लोगों के बारे में उन लोगों की कल्चर के बारे में नहीं जान सकते हो जब तक कि आप वहाँ पर फुल्ली एज अ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट जो है वो नहीं रहोगे जब तक आप उनके साथ पूरा फ्रेंडली पूरा इंटरेक्शन के साथ नहीं रहोगे जब तक आप उनके साथ नहीं रहोगे उनके कल्चर को तब तक आप जो है वो अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो इसी लिए पर आपको फुल इंटरेक्शन के साथ पूरा फ्रेंडली होकर के उनके साथ समय बिताना पड़ता है पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ता है क्लियर तभी जाकर के आप उन लोगों के बारे में उन लोग कल्चर के बारे में समझ सकते हो तो आई थिंक आपको दोनों में क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस है नाउ लास्ट लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट पार्टिसिपेंट देखिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है वो पूरी तरह से एंगेज रहता है पार्टिसिपेंट्स के साथ सबसे पहली बात एंड पार टेक्स इन दियर एक्टिविटीज़ और उनकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट तो वो यहाँ पर करता है पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेयर दैट ऑब्जर्वे दैट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च इज़ बींग कंडक्टेड लेकिन यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता है भाई वो किसी के द्वारा ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जो रिसर्च है वो हो रही है क्लियर एंड इवन दो दे फुल्ली इंटरेक्ट विद द रिसर्चर लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से इंटरेक्ट करते हैं रिसर्चर के साथ क्लियर कितना छोटा सा डिफरेंस है ठीक है पिछले वाले के साथ यहाँ पर वो पूरा पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं ऑब्जर्वर अब, जो है वो फुली एंगेज है पार्टिसिपेंट के साथ और उसके साथ साथ रिसर्चर और ऑब्ज़र्वर के बीच में इंटरेक्शन भी है लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेंट को ये नहीं पता होता है वो अवेयर ही नहीं होते हैं भाई उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है यानी कि जैसे कि अगर क्लासरूम में आ, मैंने बच्चों की कोई एक्टिविटी ली और एक्टिविटी करने के दौरान मैंने ये केवल देखना है कि कितना स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है और और मैंने ऐसे किसी भी प्रकार से जैसे कोई मैजिक स्क्वेयर के द्वारा या फिर कोई भी खेल खेल में मैंने उनकी एक्टिविटी ले ली और स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेंट कर रहे थे लेकिन उनको पता ही नहीं चला भी यहां पर जो है वो टीचर ने हमें ऑब्जर्व करने के लिए एक्टिविटी जो है वो ली थी आई होप इट्स क्लियर टू यू देन आता है स्टूडेंट्स आपका रेटिंग स्केल क्लियर सेकेंड रेटिंग uh, स्केल क्या है अ सेट ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर कुछ कैटेगरीज का जो सेट है उसे डिज़ाइन किया जाता है किस लिए डिज़ाइन किया जाता है टू इलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अबाउट अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट मतलब किसी भी पर्टिकुलर आपको गणनात्मक या गुणात्मक तौर पर अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप कोई एक स्केल सेट कर देते हो वो स्केल क्या है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिकेट स्केल की लिकेट स्केल जो था उसको 1932 में डेवलप किया गया था यहाँ पर फाइव ये फाइव पॉइंट स्केल है विच इज़ यूज्ड टू तो एलो द इंडिविजुअल टू तो एक्सप्रेस हाउ मच दे एग्री और डिस एग्री विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी गई होगी यहाँ पर यह जाना जाता है भाई वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ कितना एग्री करते हैं और कितना डिसग्रीड करते हैं यानी कि यहाँ पर पाँच पॉइंट दिए जाते हैं अगर वो स्ट्रॉन्गली किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को डिसग्री करते हैं तो नंबर एक डिसग्री करते हैं तो दो अनडिसाइडेड है तो तीन एग्रीड हैं तो चार स्ट्रोंगली एग्रीड है तो पाँच क्लियर अनडिसाइडेड यानी कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं ना तो वो एग्रिड है ना ही डिसएग्रीड है तो लिक्विड स्केल जो है वो पांच स्केल के ऊपर जो है वो आधारित होता है देन हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफिक रेटिंग स्केल की देखिए ज्योग्रेफिक रेटिंग स्केल लिकेट स्केल जो है वो जोग्रेफिक रेटिंग स्केल आ, का ही एक एग्जाम्पल है अब देखिए ज्योग्राफिक रेटिंग स्केल की अगर हम लोग बात करें तो इंडिकेट करता है द आंसर ऑप्शन ऑन अ स्केल वन टू थ्री थ्री टू फाइव एक्सेट्रा यानी कि आप पर्टिकुलर किसी भी स्टेटमेंट तक किस हद तक सहमत हैं आप क्या एक से तीन आप उसको पॉइंट के बीच में देंगे पॉइंट्स या तीन से पाँच में देंगे या आगे आप बढ़ते चलिए कि आप उसको पाँच से सात में देंगे क्या उसको सात से नौ में देंगे इस प्रकार से आपने आपने एक स्केल एक सेट कर लिया आपका आंसर जो है आप किस लिमिट तक इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर आंसर को आप इससे सहमत हो या फिर असहमत हो क्लियर तो इसका लिकेट स्केल जो होता है दैट इज़ अ पॉपुलर ग्राफिक स्केल ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है देन आता है हमारे पास न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में नंबर्स होते हैं एज आंसर ऑप्शंस आंसर मतलब ऑप्शंस की तरह होते हैं यहाँ पर नंबर्स होते हैं नॉट ईच नंबर कॉरेस्पॉन्डेंस टू करैक्टरिस्टिक्स और मीनिंग यानी कि हर एक जो नंबर होता है वो पर्टिकुलर दिखाता है भी कि क्या करेक्ट्रिस्टिक्स है इसका क्या मीनिंग है जैसे कि सपोज कर लीजिए भई कोई भी पर्टिकुलर जैसे कि एक एक क्राइटीरिया निर्धारित कर दिया गया एक स्केल निर्धारित कर दिया गया एक पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को पेन है उसे किसी भी जगह पर जैसे सपोज कर लीजिए कि उसके लेग में पेन हो रही है तो उसको किसी स्केल के द्वारा मापा गया अगर वो जीरो से टेन के बीच में था जीरो, मतलब जीरो से टेन तक हम लोगों ने उसका जो था स्केल निर्धारित कर दिया अगर हम लोगों ने ये कहा कि अगर जो स्केल है वो जीरो तक आ गया है जैसे कि ये स्केल में पॉइंट है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अगर वो जो स्केल है वो जीरो तक आ गया है यानी कि उसके ऊपर हम लोगों ने रखा तो इसका मतलब नो पेन अगर हम लोगों ने टेन तक रखा तो हम लोग कह सकते हैं कि डस्ट पेन इसके अलावा आप यहाँ पर थर्मोमीटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो थर्मामीटर लगाया तो वहां पर हम लोगों ने टेम्परेचर चेक किया अगर थर्मोमीटर में 98 डिग्री आ रहा था तो इसका मतलब कि टेम्परेचर जो नहीं है अगर वो 98 डिग्री से ज़्यादा है 99 है 100 है 101 है तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर बंदे को जो है वो टेम्परेचर है यानी कि नूमेरिकली हम लोग सेटिंग कर देते हैं कि अगर ये अगर वन है तो इसका ये मतलब है अगर टू है तो इसका ये मतलब है नूमेरिकली आप उसका जो है वो रेट जो है वो उसका सेट कर देते हैं देन आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल में क्या होता है कि ईच आंसर ऑप्शन इज इलेबोरेटली एक्सप्लेन फॉर द रेस्पोंडेंट्स हर एक ऑप्शन में एक्सप्लेन uh, किया जाता है आंसर को क्लियर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे अगर आप लोगों ने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन सर्वे का के बारे में अध्ययन करना है विच नीड्स टू डिस्क्राइब ऑल द आंसर ऑप्शन इन डिटेल इन जहाँ जहाँ पर कि आप कितना सेटिस्फाइड हो आप पर्टिकुलर इस ये जो पर्टिकुलर मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है आप इससे कितना सेटिस्फाइड हो क्या आप इसकी प्राइस से सेटिस्फाइड हो क्या आप इसकी आप इसकी सप्लाई से सेटिस्फाइड हो, से हो क्या आप ये जो कस्टमर ये जो प्रोडक्ट है आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म तक आपके काम आता है या नहीं आता या और भी कोई भी फिनोमिना उससे उसके जो रिगार्डिंग होगा ठीक है तो यहाँ पर डिटेल में बताया गया होगा उसके उसकी जो ऑप्शंस है वो डिटेल में दी गई होगी तो आपको उन डिटेल में उस ऑप्शन को पढ़ के फिर आपको वहाँ पर एक रेट करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भाई ये अच्छा है या बुरा है अब अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है उसका प्राइस ठीक है उसकी सप्लाई अच्छी है उसकी सर्विसेज अच्छी हैं बुरा है तो वो क्यों बुरा है यानी कि वो फुल ऑप्शन के साथ यहाँ पर आपको रेट करना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लियर सो दैट एवरी कस्टमर हैज़ थोरोली एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन क्योंकि इसके अलावा देखो जब आप पर्टिकुलर अभी जायजा करना चाहते हो अभी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में किस हद तक अच्छा है या उसको बुरा माना जाता है तो इसके लिए आपको uh, कुछ एक पर्टिकुलर रीजनस भी तो बताने होंगे

यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रिलेटिव मेजरमेंट्स होती हैं भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है लक्स साबुन अच्छा है तो क्यों अच्छा है गोदरेज साबुन अगर इतना अच्छा नहीं है तो वो क्यों अच्छा नहीं है यानी कि वो उसको उसके सामने कुछ तीन चार प्रोडक्ट रख दिए जाते हैं उनको उसे यूज़ करने के लिए बोला जाता है यूज़ करने के बाद वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेट करता है भाई ये मैं इस पर्टिकुलर सॉप को नंबर वन पे रखूँगा इस पर्टिकुलर सॉप को मैं नंबर टू पर रखूँगा क्लियर तो इसे हम लोग कहते हैं कंपेरेटिव रेटिंग स्केल बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस हैं तो आप इन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको इसका डिटेल में और आंसर जितना हो सका मैं बताने की ट्राई करूँगी क्लियर देन हम लोग बात कर लेते हैं भाई ये जो रेटिंग स्केल्स हैं इनकी क्या यूजेस हैं अभी आपने वैसे तो समझ ही लिया कि सबसे पहला तो गेन रिलेटिव इन्फॉर्मेशन हमें रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है आप लोग मेजर कर सकते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सर्विसेज की एलिमेंट की जब हम लोगों ने बात की थी कि आप मार्केट में सर्वे करते हो मार्केट में सर्वे करने के लिए आपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखना है तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल का यूज़ करेंगे जहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया जाता है भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट जो है वो किस भी हाव पर अच्छा है कि क्या उसकी सप्लाई अच्छी है क्या उसकी मार्केट में उसकी पकड़ अच्छी है या फिर उसकी सर्विसेज अच्छी हैं किसी भी प्रकार से क्लियर तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर यहाँ पर जो है वो रेट कर सकते हो ईज़ी है अंडरस्टैंड करना हमें एक ग्राफ देख के पता चल जाएगा भाई ये वाली जो पर्टिकुलर ये इंडिया की टीम हमारी नंबर वन पर है ये अपने ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर दो पर है जैसे ही हम लोग ग्राफ देखेंगे तो बहुत ईजिली और जो ग्राफ होता है जो रेटिंग स्केल होती है वो बहुत अच्छे से आपके माइंड में भी बैठ जाती है ठीक है हमने ग्राफ को देखा था इस पहले नंबर पर इंडिया था क्लियर है तो ये हमारे दिमाग में रहता है अ कंपेरेटिव आप इसके अलावा कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हो क्वांटिटेटिव डाटा का भी हमारी टीम नंबर वन पर है ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर दो पर है साउथ अफ्रीका की टीम नंबर तीन पर है भी मुझे भी क्लियर नहीं है कि कौन सी टीम नंबर वन नंबर टू पर है बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल क्लियर यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो पर्टिकुलर क्वान ऑन द बिहाफ ऑफ क्वानिटेटिव डाटा डाटा कि अब नंबर वन पर है नंबर टू पर है नंबर थ्री पर है नंबर फोर पर है आगे नेक्स्ट ठीक लास्ट है स्टूडेंट्स हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है एक्चुअली बेसिकली इट इज एन एग्जाम यूज टू डिटर्मिन एन इंडिविजुअल्स प्रोपेंसिटी टू सक्सीड इन अ गिवन एक्टिविटी देखिए प्रोपेंसिटी एक हैबिट होती है अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर वे में किस प्रकार से बिहेव करते हो और वही बिहेवियर जो होता है आपका एप्टीट्यूड कहलाता है ठीक है आपके सामने देखिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के सामने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स uh, होती हैं इफ़ इन अ क्लास देर आर फोर्टी स्टूडेंट्स और फोर्टी स्टूडेंट्स के सामने एक ही लक्ष्य है भाई हमें इस पर्टिकुलर क्लास में क्या करना है टॉप करना है हमें इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर करना है क्या वो फोर्टी के फोर्टी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर बैठ कर पाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एक यानी कि जिस जिस एग्ज़ाम की वो कोचिंग के जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो कोचिंग लेने के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर में आए हैं नहीं ये ज़रूरी नहीं है तो ये डिपेंड करेगा भी उनका एप्टीट्यूड कैसा है क्लियर क्योंकि मतलब कि आप आपकी हैबिट्स क्या हैं आप किस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो समझे आप सो इसीलिए एप्टीट्यूड जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ इन एनी पर्सन लाइफ इट इज़ नॉट अ टेस्ट इसे हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे फॉर विच अ पर्सन कैन स्टडी जिसके अभ्याव पर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को स्टडी कर सकें एज्यूम्स इट एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स हैव इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखिए लोगों में कुदरती तौर पर कह लीजिए उनकी अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं कुछ वीकनेसेस होती हैं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जो कि पढ़ने में इतना इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं लेकिन वो बहुत सिंसियर होते हैं और यही सिंसियरिटी उनको आगे तक ले जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिंसियर नहीं होते हैं सिंसियर नहीं होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन इसी सिंसियरिटी के कारण वो अपनी इंटेलिजेंसी का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं सो स्टूडेंट्स so आपको अपनी इंटेलिजेंसी अगर आप इंटेलिजेंट हो इट इज वेरी वेरी गुड लेकिन आपको अपनी सिंसियरिटी जो है उसे बरकरार रखना पड़ेगा क्लियर चलिए हम अपने वापस अपने मुद्दे पे आते हैं अज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स मतलब इंडिविजुअल्स में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं कुछ वीकनेसेस होती हैं एंड हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सक्सेस और फेलियर इन स्पेसिफिक एरियाज मतलब कि uh, उसी के बिहाव पर ही वो पर्टिकुलर किसी भी आ, एरिया में सक्सेस पाते हैं या फिर फेलियर भी होते हैं तो हम वो किस प्रकार से अपनी सक्सेस और फेलियर की तरफ झुकना है उस उस जब भी आप, आपको सफलता मिले या फिर असफलता मिले क्योंकि दोनों ही लाइफ का पार्ट है तो आपको दोनों ही सिचुएशन में किस प्रकार से अपने आप को खड़ा करना है हैंडल करना है Clear. तो ये हैंडल आप किस प्रकार से करते हो वो है आपके इन नेट करेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की होंगी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ज़रा सी फेलियर मिली रही कि बिफर जाते हैं ये ऐसा नहीं करना है जब भी सफलता मिले तो उस सफलता को बरकरार रखने की कोशिश करें और अगर असफलता मिले तो ऐसी पावर्स गेन करें भाई आप असफलता के शिखर तक पहुँच सकें उस सफलता को हासिल करने की कोशिश करें तो इस प्रकार से एप्टीट्यूड जो है वो ये जो टेस्ट हमें इस बारे में बताता है कि पर्सन के अंदर की करेक्ट्रिस्टिक्स कैसी हैं उसके अंदर की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, वो किस प्रकार से सफलता और असफलता के प्रति उसका झुकाव रहता है किस प्रकार से उसकी प्रोपेंसिटी है उसका बिहेवियर कैसा है उसकी हैबिट्स कैसी है किसी भी पर्टिकुलर वे में किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में चलिए अब ये वेरी इट इज वेरी यूज इट इज यूज टू डिटर्मिन एन इंडिविजुअल स्किल और एबिलिटी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्किल्स कैसी हैं एबिलिटीज कैसी हैं उनको ये डिटर्मिन करता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट एंड असेस करता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप किस प्रकार से बिहेवियर करते हो और इसके अलावा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मतलब कोई भी ट्रेनिंग में जाना है जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है आपको टीचर बनना है लॉयर बनना है इंजीनियर बनना है तो उससे पहले एक मतलब उससे पहले भी ये आपको खुद का अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए क्लियर इन एन एरिया इन विच दे हैव नो प्रायर ट्रेनिंग यानी कि इसके देखिए इसके बिहार पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है Then.

पर भी पता किया जाता है कि वो बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के सक्षम भी है या नहीं है मान लीजिए कि आप डॉक्टर करने चले गए ठीक है आपने जिससे तैसे चलो टेस्ट भी क्लियर कर लिया प्री मेडिकल का आपका एम बी के कॉलेज में एडमिशन भी हो गया लेकिन वहाँ जाके पता चला भाई वहाँ तो भाई फाड़ करते हैं उनके ऊपर आपको बहुत सारा ब्लड दिखता है मास्क के टुकड़े दिखते हैं तो आप तो कर ही नहीं पाओगे हमारा तो दिल बहुत छोटा है तो इसके लिए आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए एक टेस्ट होता है ठीक है देन टू लर्न अबाउट पोटेंशियल कैंडिडेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं भाई किस प्रकार से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उनकी वीकनेसेस क्या हैं इसके बारे में यहाँ पर जो है वो जानकारी ली जाती है आई होप इट्स क्लियर टू यू थैंक यू सो मच काइज फॉर लिसनिंग मी